नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करने वाला हूं जो कि लगभग आज के जितने भी युवा लोग हैं, लगभग उनमें से 60-70% युवाओं को, हालांकि परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से कम 60-70% युवाओं को इस दवा की ज़रूरत पड़ती ही है। और युवाओं के साथ साथ वे लोग जिनकी उम्र 45-50 वर्ष की भी है, उन लोगों को भी कभी कभी इस मेडिसिन की ज़रूरत पड़ जाती है यदि इस मेडिसिन से उनके सिम्टम मैच होते हैं तो। और ये जो मेडिसिन है दोस्तों, होम्योपैथी में ख़ास तौर से जिन लोगों के लिंग में कड़कपन आना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उन लोगों के लिए ये एक वरदान के रूप में काम करती है। होम्योपैथी की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। हालांकि इसमें होम्योपैथी में पिक्रिक एसिड भी इस तरह की एक मेडिसिन होती है, जिसके बारे में मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि जिन लोगों के पेनिस में यानी कि लिंग में कड़कपन आना बिल्कुल बंद हो जाता है, पिक्रिक एसिड उनको किस तरह से और किन सिम्टम्स के बेसिस पे देनी चाहिए। लेकिन आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कैलेडियम के बारे में। बहुत अच्छी एक मेडिसिन है दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की, और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से ये जो व्यक्ति होता है ये कैलेडियम का पेशेंट बन जाता है। ये पूरी एक कहानी होती है दोस्तों, एक पूरा इतिहास होता है जो मैं आपको बताऊंगा। और जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपके अंदर भी कहीं ना कहीं कैलेडियम का एक पेशेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो पेशेंट होता है ये युवा अवस्था से यानी कि 12-13-14 वर्ष की जो उम्र होती है, टीनेज जो होती है, उस उम्र से ही सेक्सुअल अब्यूज में आ जाता है, यानी कि कामुक प्रवृत्ति का होता है, बहुत ज़्यादा काम वासना इसके अंदर होती है। और ये जो लड़का होता है ये कंटिन्यूअसली लड़कियों की ओर देखता रहता है और अश्लील हरकतें बहुत ज़्यादा इसे पसंद होती हैं, और इन्हीं सब कारणों से उसके शरीर में धीरे धीरे कमजोरी आने लगती है। बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करने की उसकी आदत होती है और इसी कारण से उसका जो लिंग है वो पूरी तरह एकदम शिथिल हो जाता है, बिल्कुल उसमें ढीलापन आ जाता है, कड़कपन उसका बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये यहाँ से इसकी स्टोरी शुरू होती है। और धीरे धीरे जब इसका असर पूरे शरीर पर पड़ने लगता है, तब इस जो इसकी गलत आदतें हैं उन गलत आदतों के कारण इसका पूरा शरीर दुर्बल होता चला जाता है, और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो इसके दिमाग पे पड़ता है। और ये जो व्यक्ति होता है ये बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ व्यक्ति बन जाता है। भुलक्कड़ इन द सेंस कि उसकी जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, किसी भी चीज़ में उसका कंसंट्रेशन यानी कि उसकी जो एकाग्रता है वो नहीं रहती। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ एक उदाहरण देकर, कि मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसे व्यक्ति आपने जिन्हें देखा होगा जो बड़ी उम्र के हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो एमनीशिया जो है उनका वो एक अलग बीमारी है, लेकिन जो यंग अवस्था के बच्चे हैं जो अभी इस वीडियो को देख के उनको वो समझ रहे होंगे कि उनको ये प्रॉब्लम होती है कि वो जब मान लीजिए उन्होंने कोई दरवाज़ा बंद किया है तो वो बंद करके आ जाते हैं और फिर उन्हें लगता है कि पता नहीं उन्होंने वो दरवाज़ा बंद किया है कि नहीं किया, फिर जाके उसको चेक करते हैं कि दरवाज़ा वास्तव में बंद उनसे हुआ है या नहीं हुआ है, फिर अब आके बैठ जाते हैं, 10 मिनट तक ठीक रहता है और 10 मिनट बाद फिर उनको वही लगने लगता है कि पता नहीं मैंने दरवाज़ा बंद किया था या नहीं किया था। ये एक तरह का उनके अंदर एक ऑब्सेशन डेवलप हो जाता है। हाथ धो लेंगे तो हाथ धो लेंगे और उसके बाद आके बैठ जाएंगे खाना खाने, फिर उनको लगेगा अरे मैंने हाथ नहीं धोए। मतलब उनके दिमाग में एक तरह की डेबिलिटी डेवलप होने लगती है, और इस डेबिलिटी का जो मुख्य रीज़न है वो है उनका मैस्टर्बेशन करना, हस्तमैथुन करना और बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अब्यूज़ जिसे कहा जाता है, वो सब जो समस्या हैं, वो सब जो कारण हैं वो इन्हीं समस्याओं को पैदा करते हैं। वो जो व्यक्ति होता है वो बिल्कुल याददाश्त उसकी कमज़ोर हो जाती है। इसके साथ साथ ही कई बार उसकी ये जो समस्या होती है ये इतनी ज़्यादा गंभीर हो जाती है, यानी कि भूलने की जो उसकी आदत होती है कि वो जिस काम को कर चुका है उसी काम को करने के बाद आके और बैठ के ये सोचता रहेगा कि यार मैंने अगर वो काम कर लिया होता तो बहुत अच्छा रहता, मैंने वो काम किया या नहीं किया, उसके बारे में प्लानिंग बनाता रहता है कि मुझे अब वो काम करना है, जबकि वो काम वो कर चुका है लेकिन उसकी जो मेंटल डेबिलिटी है यानी कि जो उसकी मानसिक कमजोरी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि उसको ये सब चीज़ें याद ही नहीं रहती कि वो 10 मिनट पहले ही काम करके आया है कोई भी जो उसने किया है। याददाश्त उनकी बहुत कमजोर हो जाती है, लोगों के नाम वो भूल जाते हैं, 5 मिनट पहले जिस व्यक्ति से वो मिले थे उन्हें याद नहीं रहता कि मैं इस व्यक्ति से मिल चुका हूं। और ये सब किस कारण से होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज्यादा कामुक प्रवृत्ति को
अपने अंदर बढ़ा लिया है। और धीरे धीरे यही आदत जो उनकी होती है दोस्तों, ये उनके शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक बन जाती है और उनके जो लिंग में जो कड़कपन सामान्यता आना चाहिए वो बिल्कुल आना बंद हो जाता है, लिंग बिल्कुल शिथिल हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सोते समय उनके लिंग में थोड़ा सा फिर भी कड़कपन आ जाता है, लेकिन जैसे ही आंख खुलती है सो के उठ जाते हैं, तुरंत कड़कपन खत्म हो जाता है। इसके साथ ही जब वो संसर्ग करने जाते हैं, यानी कि जब वो संभोग करने जाते हैं या किसी स्त्री के पास जाते हैं, तो बिल्कुल कड़कपन उनके अंदर रहता ही नहीं है। सेक्सुअल डिजायर है, काम करने की इच्छा है, काम शक्ति है उनके अंदर, लेकिन जो कड़कपन जिसको जितना होना चाहिए उतना उनका बिल्कुल नहीं होता है। और इसके कारण फिर धीरे धीरे विदाउट इरेक्शन ही, यानी कि कड़कपन आए बिना ही उनका जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। कई बार आपने ऐसा मुझसे वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पूछा जाता है, मेरे लाइव सेशन में भी मुझसे पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब किसी भी लड़की से बात करें या किसी स्त्री से बात करते हैं तो बात करते करते ही डिस्चार्ज हो जाता है, जबकि इरेक्शन बिल्कुल नहीं रहता। तब उस कंडीशन में यदि व्यक्ति की आदतें बहुत ज़्यादा गंदी हैं, अश्लील हरकतें बहुत ज़्यादा करता है, खास तौर से जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कि रास्ते में चलती हुई लड़कियों को देखते हैं, स्त्रियों को देखते रहते हैं और कंटिन्यूअसली जैसे ही देखते हैं तो उनका डिस्चार्ज हो जाता है, उनके मन में जो है वो गंदे विचार आने लगते हैं, तब उस कंडीशन में ये जो मेडिसिन है कैलेडियम, ये उस व्यक्ति की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हालांकि दोस्तों मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ एक बात कि ये जो सारी समस्याएं हैं ये खुद उस आदमी के द्वारा बनाई गई होती हैं, तो जब तक वो आदमी खुद नहीं चाहेगा कि मुझे इस समस्या को सॉल्व करना है और मुझे इन अश्लील हरकतों को छोड़ना है, गंदी आदतों को छोड़ना है, तब तक ये मेडिसिन भी एक लिमिटेड तक ही, एक सीमा तक ही उसकी हेल्प कर सकेगी, एक लिमिट तक ही उसकी हेल्प कर सकेगी। और यदि वो इसके साथ उन अश्लील हरकतों को छोड़ देगा और कैलेडियम का यूज़ करेगा तो उसके लिंग में एक बहुत अच्छा कड़कपन जो है वो महसूस करने लगेगा, उसको उसकी जो सारी समस्याएं हैं वो खत्म होने लगेंगी, याददाश्त की उसकी जो समस्या है खत्म होने लगेगी। यदि हम फीमेल जेनाइटल सिस्टम की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो मेडिसिन होती है ये स्त्रियों पर भी कारगर होती है और यदि स्त्रियों में इस प्रकार के सिम्टम हैं तो वो भी इससे ठीक होते हैं। इसका एक बहुत खास सिम्टम होता है फीमेल का कि उनका जो जेनाइटल ऑर्गन होता है वेजाइना के आसपास उनको बहुत ही ज़्यादा इचिंग होती है और ये जो इचिंग होती है यानी कि ये जो खुजली चलती है उनको बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूप्टुअस इचिंग होती है, यानी कि उनकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है यानी कि सम्मोह करने की जो इच्छा होती है उसको बढ़ा देती है। खास तौर से ये जो इचिंग होती है, ये जो खुजली होती है, उसको प्रेगनेंसी के दौरान भी देखी जाती है और मतलब इतनी ज़्यादा इचिंग उसको होने लगती है, इतनी ज़्यादा खुजली उसको होने लगती है कि वो सो भी नहीं पाती है। ये एक बहुत खास सिम्टम होता है। इसका तीसरा सबसे खास सिम्टम होता है दोस्तों कि इस पेशेंट का जो पसीना होता है वो मीठा पसीना होता है, यानी कि उसमें से जो स्मेल आती है वो मीठी सी स्मेल आती है और कई बार इतनी ज्यादा मीठी स्मेल आने लगती है कि वहां पे मक्खियां तक उसके शरीर पे आके बैठने लगती हैं। मतलब ये एक बहुत ही खास ऑब्जर्वेशन है जो किया गया है और होम्योपैथी में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी की गई है कि ऐसा व्यक्ति भी ऑब्जर्व किया गया है जिसके पसीने में से बहुत स्वीट मेटालिक टेस्ट जिसको कहा जाता है, ऐसी स्वीट सी स्मेल आती है और मक्खियाँ उसके शरीर पर आगे बैठने लगती हैं, तो इतनी ज़्यादा मतलब स्वीटनेस उसके पसीने में रहती है, मीठापन उसके पसीने में रहता है, तो ये भी इसका यानी कि कैलेडियम का एक बहुत ही खास सिम्टम होता है। इसके साथ में जिन लोगों को मैस्टरबेशन के साथ यानी कि हस्त मैथुन के साथ साथ धूम्रपान करने की भी आदत होती है, तो डॉक्टर कैंट जिन्होंने अपनी मटेरिया मेडिका लिखी है, होम्योपैथी में एक बहुत बड़े होम्योपैथिक फिजिशियन रहे हैं, उनका ये ऑब्जर्वेशन है कि ये जो कैलेडियम होती है ये लोगों के अंदर के धूम्रपान करने की उनकी जो आदत है यानी कि स्मोकिंग करने की आदत है, बीड़ी सिगरेट पीने की जो आदत है उसको भी खत्म कर देती है। इसके साथ साथ ही डैफने इंडिका भी एक मेडिसिन होती है जो इस तरह का काम करती है, उसका मदर टिंचर यूज़ किया जाता है जिन लोगों को बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने की आदत है या धूम्रपान करने की आदत है, तंबाकू खाने की आदत है उनके लिए। लेकिन कैलेडियम भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि बहुत ज्यादा हेल्प करती है जिन लोगों को स्मोकिंग करने की बहुत ज्यादा आदत होती है, बीड़ी सिगरेट पीने की बहुत ज्यादा आदत होती है, उन लोगों को बीड़ी सिगरेट पीने की इच्छा को यह खत्म कर देती है। तो कैलेडियम का उपयोग हम धूम्रपान को छोड़ने के लिए भी कर सकते हैं। ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, ये कैलेडियम के बहुत खास सिम्टम्स होते हैं और बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है जिन लोगों को मैस्टरबेशन करने की आदत है, हस्तमैथुन करने की आदत है, जिनका लिंग का जो कड़कपन है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है या फिर होता भी है तो वो केवल सोते समय ही होता है और जैसे ही वो किसी से इंटरकोर्स करने जाते हैं वैसे ही उनका जो कड़कपन है वो पूरी तरह खत्म हो जाता है, सीमेन का डिस्चार्ज होता रहता है, लैटरिन के साथ वीर्य निकल जाता है, बाथरूम करने के दौरान वीर्य निकल जाता है, तब इन सारी कंडीशंस में कैलेडियम
ऐसे व्यक्तियों की बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। अब यदि हम इसकी पोटेंसी की बात करते हैं तो दोस्तों पोटेंसी 30 पोटेंसी से हमें इसको स्टार्ट करना चाहिए, कैलिडियम 30 पोटेंसी को, और इसकी 30 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को, 1 चम्मच पानी में मिलाकर भी ले सकते हैं या फिर सीधे आप जीभ पे भी रख सकते हैं। दोनों ही तरीके बेस्ट हैं, कोई भी किसी भी तरह की दोनों तरीकों में दिक्कत नहीं है। कंपनी की जहां तक बात है कि आपको कैलेडियम किस कंपनी की लेना है, आप कोई भी कंपनी ले सकते हैं, WSI ले सकते हैं, रैगबैग ले सकते हैं, SBL ले सकते हैं, लेकिन अच्छी कंपनी लें। ये तीनों कंपनियां जो मैंने आपको बताई हैं अच्छी रहती हैं, तो आप इन्हीं का यूज़ करें, वो ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।